सस्पेक्ट और विक्टिम के किरदारों पर खड़ी होती है। गुनाह का एमओ देखकर हम गुनहगार के कैरेक्टरिस्टिक समझने की कोशिश कर रहे होते हैं और इसी कैरेक्टरिस्टिक की छवि को हम सस्पेक्ट में देखने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब यह समझना मुश्किल हो कि विक्टिम का असल किरदार क्या था, तो इन्वेस्टिगेशन के तार को जोड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ये केस भी बिल्कुल ऐसा ही था, एक बंद किताब की तरह था जिसके पन्ने पलटने के बजाय हम कुछ अलग ही पन्ने पलट रहे थे और उलझते जा रहे थे। रुकिए मैम, रुकिए, आप अंदर नहीं जा सकते। हाथ हटाओ, हाथ हटाओ। राजपाल, क्या आफत आ गई? तुम नेता लोग बहुत जल्दी रंग बदलते हो। हाँ, जब तुम्हारी पार्टी को चंदा की जरूरत थी तब मेरे पति की आरती उतारते थे, और आज जब वो मुसीबत में है तो काम बोलो काम। तुमने प्रॉमिस किया था कि इस बार इलेक्शन में तुम अपनी पार्टी से मुझे टिकट दिलवाओगे। अरे क्या करोगे पॉलिटिक्स में आगे? तेरा पति करोड़ों का बिजनेस छोड़कर भागा है। दो नंबर का बिजनेस। हाँ तो क्या फर्क पड़ता है? जैसे तेरे पति को सपोर्ट कर रहा था, तुझे भी करूंगा। मुझे इस काले धंधे में अपने हाथ काले नहीं करने, मुझे पॉलिटिक्स की सफेदी पहननी है। देख, मैं ऐसी औरत को टिकट नहीं दिलवा सकता जिसका पति का काला चिट्ठा खुलने वाला है। ठीक है, तो एक काम करते हैं कि मैं मीडिया में खुद ये चिट्ठा खोल देती हूँ, अनाउंस कर देती हूँ कि स्पेशल सेल जिस कुंडली किंग को ढूंढ रहा है वो कोई और नहीं, मेरा पति है और तुम उसके व्हाइट कॉलर पार्टनर। कल एक नंबर एसजी का होगा, सपना ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, और दो नंबर जेसी जयंती कॉल्स। अच्छा तू कल की बुकिंग शुरू कर, मैं बात करता हूं। मैडम, 272 क्लाइंट्स ने 12 नंबर्स पर 16 से ज्यादा इन्वेस्ट किया है, सिर्फ 3 और 7 नंबर ऊपर गए हैं, बाकी सब नीचे। कुल मिलाकर आज का 11 लाख से ज्यादा का प्रॉफिट है। अरे भाड़ में गया तुम्हारा प्रॉफिट और भाड़ में गए नंबर्स। मुझे बताओ कि आज अविनाश कौन सा मोबाइल नंबर यूज कर रहे हैं? बोल नवीन। अविनाश, मैं पायल बोल रही हूँ, कहाँ हो तुम? कितनी बार बोला है तुझे, फोन पे लोकेशन मत पूछा कर। भगोड़े तुम हो गए और लाइफ मेरी बर्बाद हो गई है। अच्छा आज का पैसा कलेक्ट हुआ? तुम्हें सिर्फ प्रॉफिट की पड़ी है ना? हाँ, अरे मेरा तो छोड़ो, लेकिन कभी तुमने ये जानने की कोशिश की कि बच्चे कैसे हैं? अच्छा चल बात करवा बच्चे से। बच्चों को यहाँ रख के मैं तुम्हारा ये सट्टा चार्ट दिखाऊं? तुमने कभी भी सोचा है कि अगर तुम्हारी वजह से पुलिस मुझे उठा के ले गई या तुम्हारी दुश्मनी से किसी ने मुझे गोली से उड़ा दिया तो हमारे बच्चों का क्या होगा? पायल तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो। हाँ मैं तुम सबको लेकर फॉरेन कंट्री शिफ्ट होने की प्लान बना रहा हूँ। चल अब बता बच्चे कहाँ हैं? ना शोर क्यों मचा रखा है तुम दोनों ने? इतना ही हल्ला करना है तो अपने घर जाकर करो। इतना भी घमंड मत करो परी दीदी, मेरी मॉम ने भी आपकी मॉम पे बहुत एहसान किए हैं। और क्या आप हमारे घर पे आके कभी रही नहीं? हमें ना तुम दोनों से बातें नहीं करनी है, जब से आए हो सर में दर्द करके रखा हुआ है। हाँ जी, थैंक यू माँ। हाँ बेटा, ये पायल मासी के बच्चों को यहाँ से भेजिए, हम और बर्दाश्त नहीं कर सकते इन दोनों को। परी, तुम्हारे मौसा मौसी तीर्थ यात्रा से आ जाएंगे तो ले जाएंगे बेटा। माँ वो लोग कहीं तीर्थ वीर्थ पर नहीं गए हैं, हमें पता है वो लोग ना अय्याशी कर रहे होंगे कहीं और अपनी आफत को यहाँ छोड़ गए। सॉरी दीदी, वो गलती से गिर गया था, बट डोंट वरी, मैं मम्मा से कह के नया मंगवा दूंगी। तुमको पता है इसमें कितना इंपॉर्टेंट डाटा था हमारा? दीदी परी, विधि ने सॉरी बोला ना बेटा। माँ आपने इन दोनों को बिठाकर आरती उतारी इनकी, हम जा रहे हैं यहाँ से। परी देख पायल, 2 साल से हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं, अब अपने पति की वजह से मुझसे रिश्ते क्यों बिगाड़ रही है? मतलब इस बार भी इलेक्शन में टिकट नहीं दोगे मुझे? फिलहाल मैं तुझे महिला समाज का अध्यक्ष बनवाना चाहता हूँ, थोड़ा सोशल वर्क कर, नाम होगा फिर आगे इलेक्शन में खड़े होने लायक भी बन जाएगी तू। महिला अध्यक्ष का गाजर देकर मुझसे पल्ला झाड़ना चाहते हो ना? अरे मैं तुझे व्हाइट कॉलर कमीनी बनने के दाव सिखा रहा हूँ। हेलो दीदी। हाँ आज फिर से तुम्हारे बच्चों का हमारी बेटी से झगड़ा हो गया,
तुम आके ले जाओ अपने बच्चों को। बस थोड़े दिन और हैंडल कर लो ना उन्हें। हैंडल नहीं कर सकती पायल। रीमादी मैं आपको बाद में फोन करती हूँ, कुछ अर्जेंट काम आ गया। हाँ ओके बाय। पायल, स्पेशल सेल वालों ने खांडवा के एक ज्योतिषी को ये सोचकर उठा लिया कि वो ही असली गुंड लिखेंगे। अब तो अविनाश भैया यहाँ भूल कर भी नहीं लौटेंगे और हम मजे मारेंगे। मैं धंधा संभालूंगा और तुम पॉलिटिक्स। ये अंदर कौन है? कोई नहीं। अरे कोई नहीं है। तो नहीं कोई। सर, सही मेरी बेटी विधि और मेरा बेटा विशेष है। सही पिछले 2 महीने से गायब है। ये 2 महीने से गायब है और आप अब आ रही हैं हमारे पास? सर दरअसल मैं भोपाल में रहती हूँ सर, और मेरे दोनों बच्चे यहाँ कानपुर में मेरी बड़ी बहन रीमा के साथ रह रहे हैं। 2 महीने पहले जब मैं अपनी दीदी से मिलने आई तो उनके घर पे ताला लगा हुआ मिला सर। तब मैंने अपनी बेटी विधि और रीमा दीदी को फ़ोन लगाया तो उनके फ़ोन नहीं लग रहे थे। तब मैंने रीमा दीदी की बेटी परी को फ़ोन लगाया तो उसने मेरा फ़ोन नहीं उठाया और मुझे मैसेज कर दिया कि वो लोग कहीं घूमने जा रहे हैं। जब मैंने उससे पूछा कि विधि और रीमा दीदी का फ़ोन क्यों नहीं लग रहा तो उसने मुझे रिप्लाई किया कि उस एरिया में नेटवर्क नहीं है। वो गए कहाँ थे घूमने? सर ये परी ने नहीं बताया सर। सर मैं जब जब परी को फ़ोन कर रही थी तो वो मेरा फ़ोन नहीं उठा रही थी, बल्कि मुझे हर बार ये मैसेज कर रही थी कि हम लोग जल्दी लौट आएंगे। सर मुझे लग रहा है कि ये परी ना 2 महीने से मुझे घुमा रही है सर। मुझे लगता है कि मेरे बच्चों के साथ साथ रीमा दीदी को भी उसने। अरे जी, परी अपनी माँ और अपने कज़न आपके बच्चों को क्यों नुकसान पहुँचाएगी? सर क्योंकि परी मेरे बच्चों से चिढ़ती थी। एक बार तो परी ने मेरे बच्चों को धमकी भी दिलवाई थी सर। मॉम, अभी परी दीदी का बॉयफ्रेंड आया था और वो मुझे और विशेष को धमकी देके गया कि वो हमें मार डालेगा। परी का बॉयफ्रेंड कौन? सब मुझे नहीं पता। उसके बाद जब रीमा दीदी से बात की मैंने तो उन्होंने कहा था पायल परी का कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। तुम्हारे बच्चे बेकार में हमारे बीच गलत फहमी पैदा कर रहे हैं। अच्छा, वो क्यों गलत फहमी पैदा करेंगे दीदी? आप मेरी बस परी से बात करवाओ। परी, मौसी से बात कर। हमें कोई बात नहीं करनी है इनसे। कह दीजिए आके लेके जाए अपने बच्चों को। फालतू जीना आराम कर रखा हमारा। सर मुझे लगा था कि अब उनके बीच में सब कुछ सेटल हो गया, इसीलिए सब एक साथ घूमने चले गए। मुझे नहीं पता था सर कि परी मेरे साथ इतना बड़ा गेम खेल रही है। आपकी बड़ी दीदी रीमा जी के हस्बैंड तो होंगे? रीमा दीदी भी मेरी तरह विडो ही है। सर प्लीज प्लीज कैसे भी करके मेरे बच्चे और रीमा दीदी को ढूंढ निकालिए सर। हम पूरी कोशिश करेंगे। ताला तोड़ो। ओके सर। हेलो, एक्सक्यूज मी, सुनिए इधर आइए। सर रीमा और उनकी बेटी परी, ये दोनों कहाँ हैं? पता नहीं सर, बहुत दिन से इन लोगों को देखा नहीं। अच्छा, यहाँ रीमा के साथ उनकी बेटी परी के अलावा ये दोनों बच्चे भी रहते थे क्या? हाँ सर, यही रहते थे। सर कुछ दिन पहले मैंने एक आदमी को यहाँ ताला लगा के जाते हुए देखा। कौन था वो आदमी? ये तो नहीं मालूम सर, लेकिन वो आदमी अक्सर परी और उसकी माँ से मिलने यहाँ आया करता था। सर ये देखिए। सर अगर कोई बाहर घूमने जाने का प्लान बनाएगा तो घर को इस तरह से क्यों छोड़ के जाएगा? कटी हुई सब्जियां, भीगे हुए चने, डिटर्जेंट में भीगे हुए कपड़े, सारे घर के खुले हुए पर्दे,
मतलब जब घर को लॉक लगाया गया तो घर एक्टिव स्टेट में था। सर फाइल ने बताया था कि विधि और रीमा का फोन बंद है लेकिन परी का फोन चालू, पर जब से कंप्लेंट फाइल हुई है तब से परी का फोन भी बंद है। पता लगाओ सबके फोन कब और कहां बंद हुए, घर को अच्छे से सर्च करो और जिस आदमी को लॉक लगाकर जाते हुए देखा गया स्केच बनाओ। ओके सर। अरे मना किया था ना उसको पैसा देने के लिए, क्यों दिया समझ में नहीं आते तेरे को? जुबान मत लड़ा मेरे से, अभी काट दूंगा बेवकूफ कहीं का। रख फोन। अपनी चिल्लम चिल्ली बंद करो नवी। मैडम वो मुकुंद भाई फिर से एक पार्टी का पैसा लेके भाग गए। बाहर में गया मुकुंद और बाहर में गया ये बिजनेस। पता नहीं किस नर्क में फंस गई हूं मैं और मेरे बच्चे। इंस्पेक्टर दिनेश मेरे पैसे कब दे रही है? देखो तुम कुछ ज्यादा ही पैसे मांग रहे हो। तेरे सारे कांड छिपा के रखे हैं मैंने, मेरे साथ काला कांड ही मत करना। सर ये उस आदमी का स्केच है जो परी के घर पे ताला लगा के जाते हुए दिखाई दिया। परी की मौसी पहल को बुलाओ, शायद वो इसको जानती हो। लेकिन सर वो तो भोपाल चली गई है। What? वो तो अपने बच्चों को लेकर इतना कंसर्न दिखा रही थी, अब अचानक भोपाल चली गई। सर उसने बताया कि वो वहाँ किसी केस की हियरिंग के लिए कोर्ट जाने वाली है। किस केस की हियरिंग? सर एक लड़की की मोलेस्टेशन का केस, और सर पायल भोपाल में अपने एरिया के महिला समाज की अध्यक्ष भी है। सर कमिंग। सर पायल की बेटी विधि और पायल की बहन रीमा का फोन 2 महीने पहले डोमिन हिल्स स्टेशन में बंद हुआ था, जबकि परी का फोन 3 दिन पहले तक डोमिन हिल्स में एक्टिव था। और चौंकाने वाली बात यह सर कि परी ने अपने स्टेटस में विधि को टैग करते हुए लिखा था एंजॉयिंग वैकेशन। ये देखिए सर। परी के फोन का स्टेटस कहीं हमें भटकाने की कोई चाल तो नहीं है? क्योंकि परी के फोन को छोड़कर बाकी सबके फोन पिछले 2 महीने से बंद है। और एक बात, विधि ने अपनी माँ पायल से ये कहा था कि परी के बॉयफ्रेंड ने उसे और उसके भाई को जान से मारने की धमकी दी। उसके बॉयफ्रेंड के बारे में कुछ पता चला? मैं पता करवा रहा हूँ सर, मैंने डोमिन हिल्स पुलिस से इस फैमिली की डिटेल्स भी शेयर की हैं, वहाँ के होटल लॉजेस और रिसॉर्ट्स में इंक्वायरी भी करवा रहा हूँ। अगर ये लोग वहाँ पे गए हैं सर तो कहीं ना कहीं तो रुके ही होंगे। परी रीमा और विधि इनके डेबिट और क्रेडिट कार्ड के ट्रांजेक्शन के बारे में पता करो, हो सकता है इन्होंने कार्ड्स पेमेंट किए, उससे शायद हमें कोई क्लू मिल जाए। और उस आदमी के बारे में पता करो जो परी के घर को ताला लगाकर जाते हुए देखा गया। यस सर। विक्रम संभालो इस पुलिस वाले को, 10 लाख से 1 रुपया ज्यादा नहीं दूंगी इसे मैं। जरूरत से ज्यादा मुंह फाड़ रहा है वो। हां तो बढ़ देना उसका मुंह, पुलिस वाले से पंगा मत ले। अच्छा तुम्हारे हिस्से का दे दूं उसे? मेरा हिस्से का क्यों देगी, मेरा महीने का 25 लाख फिक्स है। अरे कहां से लाऊं इतना पैसा, धंधा बैठा जा रहा है। ऊपर से अविनाश अपनी सारी जमा पूंजी छुपाकर मर गया है, और उसका भाई मुकुंद पार्टी के 2 करोड़ लेके पता नहीं कहां भाग गया है। ए बेवकूफ समझाया तूने मुझे, ना तेरा पति मरा है ना तेरा देवर भागा है, उसके लिए तूने मुझे बाथरूम में बंद कर दिया था। देख मेरा 25 भिजवा दे। हेलो पायल, वो आदमी आपकी बहन के घर पर ताला लगा कर जाते हुए देखा गया था, आप जानती हैं उसको? नहीं सर मैं नहीं जानती, पर सर मेरे बच्चे और दीदी के बारे में कुछ पता चला? हम पता लगा रहे हैं, जैसे ही पता लगेगा हम तुरंत आपको इन्फॉर्म कराएंगे। थाना रश। सर फिलहाल डोमिन हिल्स के किसी होटल रिसोर्ट या लॉज से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है, पर परी के उस फोटो के बैकग्राउंड में जो जगह दिखाई दे रही है वो डोमिन हिल्स का एक पिकनिक स्पॉट है, और वो फोटो मॉफ्ड भी नहीं है। चलो मान लेते हैं वो फोटो डोमिनी हिल्स पर ही ली गई है, विधि डोमिनी हिल्स पर ही है, पर फैमिली के बाकी लोग वो कहाँ गए? सर लोकल पुलिस से एक इन्फॉर्मेशन और मिली है, उस एरिया में कुछ दिन पहले एक स्केलेटन गड़ा हुआ मिला था। स्केलेटन पे ऐसे केमिकल के ट्रेसेस मिले सर जिसके इस्तेमाल से लाश को जल्द से जल्द गला दिया जाता है, और फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक स्केलेटन 15 से 19 साल के बीच के लड़के का था, और सर पायल के बेटे की उम्र 15 साल थी। एक मिनट नारायण, तुम कहना चाह रहे हो वो स्केलेटन पायल के बेटे विशेष का है, पर बाकी फैमिली वो कहाँ गए? ये पायल शुरू से परी पे शक जता रही है, लेकिन परी के किसी बॉयफ्रेंड का कोई क्लू नहीं मिला। हाँ विधि के सीडीआर में ये सोनू नाम के एक लड़के का नंबर मिला सर, ये सोनू है।
और ये नंबर अभी बंद है। सर, सर हसरतगंज थाने से परी की एक इन्फॉर्मेशन मिली। सर 7 दिन पहले परी के खिलाफ वहाँ एक धोखाधड़ी का केस दर्ज हुआ। 7 दिन पहले? जी सर। सर इस कमलनाथ नाम के आदमी ने 2 महीने पहले परी की कंपनी को एक बड़ा ऑर्डर और 5 लाख रुपये एडवांस दिए थे, लेकिन सर परी ने वो ऑर्डर पूरा नहीं किया। जमीन हमें पसंद है पर आप बजट बहुत हाई बता रहे हैं। मैडम ज्यादा कहाँ है आप बताओ। इस एरिया में ना कोई सी भी 500 गज का प्लॉट 60 लाख रुपए से कम का नहीं है और हम आपको सिर्फ 50 लाख में ही दे रहे हैं। पूरे 10 लाख रुपए कम है। आप एक काम कीजिए, हमें आधी जमीन 25 लाख रुपए में दे दीजिए। फिर बाकी की आधी जमीन हमसे कोई 15 लाख में भी नहीं खरीदेगा। डोंट वरी, जब हमारा बिजनेस आगे बढ़ेगा तो बाकी की जमीन भी हम ही परचेज कर लेंगे। एक काम कीजिए, ये लीजिए टोकन अमाउंट और डील फाइनल कीजिए। नहीं सर, मेरा बेटा नहीं मर सकता, वो पक्का किसी और का स्केलेटन होगा। पायल जी, हम भी यही चाहेंगे कि आपका बेटा बिल्कुल सही सलामत हो। हम उस स्केलेटन के डीएनए से आपका डीएनए मैच करके बस अपना डाउट क्लियर करना चाहेंगे। डाउट? कैसा डाउट? और आपको क्यों लगता है कि वो स्केलेटन मेरे बेटे विशेष का ही है? देखिए पायल जी, वो स्केलेटन हमें डोमिनी हिल्स पर मिला। डोमिनी हिल्स पर ही परी, रीमा, विधि इन सब के फोन स्विच ऑफ हुए। और ये देख, विधि का ये फोटो भी डोमिनी हिल्स पर ही खींचा गया है। नहीं सर, ये फोटो तो बहुत पुराना है, लगभग 1 साल पुराना। मैं दोनों बच्चों को लेकर डोमिनी हिल्स गई थी, ये फोटो वही का है। सही, मैंने क्लिक की थी। सर अब तो मुझे यकीन हो गया कि ये पूरा गेम ना उस परी का ही है। हमें विधि के कॉल रिकॉर्ड्स में ना एक सोनू नाम के लड़के का नंबर मिला है। ये फोन अब बंद है, उसकी काफी बातें होती थी विधि के साथ। ये है वो सोनू। हो सकता है ये विधि का बॉयफ्रेंड हो, आप जानती हैं इसको? नहीं सर, मैं सच बोल रहा हूँ सर, मैं किसी विधि को नहीं जानता। 9876-3576 तेरा नंबर है ना? नहीं नहीं सर, ये मेरा नंबर नहीं है। ये नंबर तेरे ही नाम और तेरे ही एड्रेस पे रजिस्टर्ड है, समझा? लेकिन सर मैं ये नंबर तो इस्तेमाल ही नहीं करता। सच तो बेटा उगले वाले के हम तेरे से। अब आप टेंशन मत लो। एक और काम है, उस मुकुंद को पकड़ो, मेरा गेम खराब करने में लगा है ये। मतलब देवर से ज्यादा अब नेताजी में इंटरेस्ट है तुम्हें या कोई और भी? अपने काम से काम रखो, इस काम के भी अच्छे पैसे मिल जाएंगे। मेरे पास तेरे आशिक को ढूंढने का टाइम नहीं है। ये सोनू बोल रहा है सर कि विधि को जानता तक नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसकी आईडी का इस्तेमाल करके किसी ने इसका नंबर हासिल किया हो? ऐसे इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इसकी एक एक एक्टिविटीज पता करो। 2 फैमिली के 4 लोग गायब हुए हैं। एंगल रीमा और उसकी बेटी परी से भी जुड़ा हो सकता है, पायल और उसके दोनों बच्चों से भी जुड़ा हो सकता है। इन दोनों फैमिलीज की एक एक एक्टिविटीज पता करो। सर परी का फोन थोड़ी देर पहले झांसी में ऑन हुआ था, लेकिन सर फिर तुरंत बंद भी हो गया। पायल ने बताया कि उसे परी का एक मैसेज आया था और मैसेज में लिखा है कि विधि, विशेष और रीमा तीनों डोमिनी हिल्स से भोपाल के लिए निकल गए, लेकिन सर अभी तक वो भोपाल पहुंचे नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनको कहीं और पहुंचा दिया गया, इसलिए हमें मैसेज भेज के भटकाया जा रहा है? सोचने वाली बात यह भी है कि क्या वाकई में ये मैसेज परी ही भेज रही है या फिर उसका फोन कोई इस्तेमाल कर रहा है? सर हमारी कंपनी का वेब पोर्टल भी लॉन्च हो चुका है और कस्टमर्स के काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस मिले हैं हमें। सर अभी तो मुझे अपनी ब्रांचेस अब्रॉड में भी ओपन करनी है। सर बस आप एक छोटा सा काम कीजिए, हमारे गोडाउन के लैंड के लिए 50 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दीजिए। आपकी इस छोटी सी इन्वेस्टमेंट से आप हमारे ग्रोइंग बिजनेस के पार्टनर भी बन सकते हैं। सर विधि, रीमा और परी के कार्ड ट्रांजेक्शन से तो कुछ नहीं मिला, लेकिन परी के बैंक अकाउंट से पता चला है कि उस कंपनी में एक तीसरा पार्टनर भी है। ये देखिए सर, ये तीसरा पार्टनर राजीव खन्ना है। परी के घर पे ताला लगा के जाते हुए इसी को देखा गया था और इसी ने 7 दिन पहले उस अकाउंट से 5 लाख विड्रॉ किए। उठा लो। देखिए आप लोग मुझे परेशान करके अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। बुरा वक्त तो तेरा अब शुरू हुआ है। सर उन माँ बेटी को बुरे वक्त में संभाला था सर मैंने। परी का पिता दोस्त था मेरा सर, उसके गुजरने के बाद मैंने उनकी मदद की, उनके बिजनेस में पैसा लगाया और जब बिजनेस चलने लगा तो वो लोग मुझसे पल्ला झाड़ने लगे। सर अंकल आपने सिर्फ 5 लाख रुपए दिए पर सारी मेहनत तो हमने की ना इस बिजनेस में,
अब आप बैठे बैठे 30% प्रॉफिट लेते हैं जो कि साल का 10-11 लाख रुपया होता है। परी तुम कहना क्या चाहती हो? मैं सिर्फ इतना कहना चाह रही हूँ अंकल कि आप अपने 5 लाख रुपए लीजिए और एग्जिट कीजिए इस बिजनेस से। इसलिए तूने उनसे अपनी नफरत निकाल ली? अरे नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया सर, बल्कि उन्हें तो कोई दूसरा इन्वेस्टर मिल गया था जिसके शेयर पर वो लोग मुझे निकाल रहे थे। सर पक्का वो लोग उसी के छलावे के शिकार बने सर। कौन है वो इन्वेस्टर? वो तो मुझे मालूम नहीं सर, लेकिन जब मुझे पता चला कि वो लोग गायब हैं तो मुझे लगा कि मेरे 5 लाख भी डूब जाएंगे, तो मैंने अपना पैसा निकाल लिया सर। और सर वो चेक भी मुझे परी नहीं दिया था सर। उनके घर पे ताला लगा कर जाते हुए देखा गया तुझे? क्या कांड किया था वहाँ? अरे सर मैंने कोई कांड नहीं किया था सर, उस घर की चाबी हमेशा से रहती थी सर मेरे पास। मैं तो ये देखने के लिए गया था कि सब ठीक तो है सर। मैं सब कुछ आपको बताने वाला था सर, फिर मुझे पता चला कि वो लोग घूमने गए हैं तो मैं सोचो पड़ गया सर। मेहता जी आपकी पायल के देवर को ढूंढ के उठा लिया मैंने, कहो तो खुशखबरी दे दूं। यहाँ इस पायल के आंसू तो रुक ही नहीं रहे, ये आंसू हमें डुबो देंगे। लगता है गेम पलटना पड़ेगा। मुझे लगता है इस राजीव का गेम समझने के लिए इसको बाहर जाने देना ही बेहतर होगा। और मैं एक काम करो, जाने दो इसको और नजर रखो इस पर, और ये भी पता करो कि परी को कोई नया इन्वेस्टर मिला था। सर एक बताओ सर, परी की कंपनी का जिस बैंक में अकाउंट है सर, उसी बैंक में परी का एक लॉकर भी है सर, हो सकता है कि उस लॉकर में हमें नए इन्वेस्टर से जुड़ा कोई डॉक्यूमेंट मिल जाए। ठीक है, मैं बैंक लॉकर खुलवाने की परमिशन लेता हूँ मजिस्ट्रेट से। जी सर। आना रख। सर विधि के सोशल मीडिया अकाउंट में प्रणव नाम के एक लड़के का अकाउंट मिला है। कौन है प्रणव? ये फेक अकाउंट है सर, पिछले 2 महीने से ये अकाउंट साइबर सेल की रडार में भी है। इस अकाउंट से पिछले 2 साल में 7 लड़कियों को फंसा गया है और ये 7ों लड़के अभी तक गायब हैं। ये 7ों लड़की अपने घर से कैश और गहने लेकर गई थी और अभी तक वापस नहीं लौटी हैं। सर हो सकता है विधि भी इस अकाउंट के चंगुल में फंस गई। लेकिन यहाँ तो विधि के साथ साथ उसका भाई विशेष, उसकी कजन परी, उसकी मौसी रीमा, सब गए। राइट सर, ये सब कुछ इस क्रिमिनल के एमओ से अलग तो लग रहा है, लेकिन सर विधि भी इस अकाउंट के टच में थी। क्रिमिनल कौन है? साइबर सेल वालों का क्या कहना है? ये कौन है, इसका असली नाम क्या है, ये दिखता कैसा है, साइबर सेल को अभी तक कुछ पता नहीं चला है सर। बाय ध्रुव। कृतिका प्लीज जल्दी से हाँ कर दो। तुम्हारी खिचड़ी यहाँ नहीं पकेगी। अच्छा पकेगी, और अगर नहीं पकी ना तो यहाँ से उठा कर ले जाऊंगा। चलो बाय बाय। सर कुछ दिन पहले डोमेन हिल से तकरीबन 7 किलोमीटर दूर एक जगह पे कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हुआ था। खुदाई के दौरान वहां से 2 स्केलेटन मिले थे। उन तुम्हारे कहने का मतलब है कि वो स्केलेटन हमारे केस से कनेक्टेड हो सकते हैं? जी हाँ सर, क्योंकि फॉरेंसिक का कहना है कि उनमें से एक अंकाल 21 से 25 साल की उम्र की लड़की का था और दूसरा 41 से 45 साल की औरत का। परी की उम्र 25 साल थी सर और रीमा की 45 साल। हालांकि फॉरेंसिक उन दोनों कंकालों की डीएनए प्रोफाइलिंग कर रही है, पर हो सकता है सर वो दोनों कंकाल रीमा और परी के हों। अभी तक उस स्केलेटन की भी डीएनए रिपोर्ट नहीं आई। हो सकता है सर चौथा कंकाल वहीं कहीं हो, हालांकि उस एरिया में मैंने और छानबीन के ऑर्डर दे दिए। सर कमें सर, परी के लॉकर से नए इन्वेस्टर का तो कोई डॉक्यूमेंट नहीं मिला, लेकिन सर ये एमओयू मिला है और इस एमओयू के मुताबिक 3 महीने पहले परी ने एक 50 लाख रुपए की जमीन खरीदने के लिए 10 लाख का एडवांस दिया था। किसके नाम पर थी ये जमीन? सर ये प्रथम सिन्हा नाम का प्रॉपर्टी डीलर है सर, मैंने इसके बारे में पता किया। इसने अब वो जमीन 60 लाख रुपए में किसी और को बेच दी है। मतलब परी इसी प्रथम सिन्हा की धोखाधड़ी का शिकार हुई होगी? नहीं सर, हमने उन्हें कोई धोखा नहीं दिया और हम क्यों धोखा देंगे बोले। हमने तो 3 महीने पहले ही वो जमीन उन्हें 50 लाख रुपए में बेच दी थी और एमओयू के हिसाब से तो 15 दिन बाद में उस जमीन की रजिस्ट्री भी थी सर, लेकिन फिर वो अचानक कहने लगी कि देखिए हमारे इन्वेस्टर ने हमें पैसे देने से अचानक से मना कर दिया है, अब 15 दिन में हम पैसों का इंतजाम नहीं कर पाएंगे, उसके लिए हमें थोड़ा सा मोहलत चाहिए। फिर सर उन्होंने हमसे कुछ समय मांगा और हमने दिया भी सर, लेकिन वो वापस ही नहीं आई और हमने उन्हें फ़ोन भी किया पर उनका फ़ोन तो बंद आने लगा। फिर सर मैंने वो ज़मीन किसी थर्ड पार्टी को बेच दी। 10 लाख के फायदे के लिए धोखा दिया उन लोगों को? नहीं सर, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया सर। पहले तो ये बता कि परी जिस इन्वेस्टर की बात कर रही थी वो कौन है? सर वो अक्सर किसी इन्वेस्टर के बारे में बात तो किया करती थी पर मैंने उसे कभी देखा नहीं सर, मैं नहीं जानता वो कौन है सर। देख मुकुल, हम दोनों एक ही गंगा में नहाए हैं, लेकिन अब गंगा मैली नहीं
पवित्र हो रही है, जो हमारे धंधे के लिए बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। एक काम करते हैं, तेरे भाई का पूरा धंधा पायल से छीनकर तुझे दे देते हैं। और पायल का क्या करोगे? पायल का क्या करना है, जैसे उसके बेटा बेटी गायब हुए हैं वैसे ही पायल भी गायब हो जाएगी कानपुर से। सर शायद पायल परी के बिजनेस में इन्वेस्ट कर रही हो, या इन्वेस्टर इनकी जान पहचान का हो। आई मीन पायल महिला समाज की अध्यक्षा है, एमपी के कई पॉलिटिशियन कई पुलिस ऑफिसर्स इनके कॉन्टेक्ट में। अगर पायल परी के इन्वेस्टर के बारे में जानती है तो हमसे छिपाएगी क्यों? पता नहीं सर, लेकिन पायल के बारे में एक बहुत अजीब बात पता चली है। ये 2 महीने पहले तक सुहागन थी, फिर अचानक से पायल ने अपने निबड़ से बोला कि इनके पति बिजनेस टूर पे पंजाब गए थे और वहीं एक एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई। यस सर। हेलो पायल, मैं अविनाश। अविनाश? हाँ, मैंने तुम्हारा और दोनों बच्चों का फेक पासपोर्ट बनवा लिया है, अब इंडिया से निकलने का वक्त आ गया है। पायल इस केस का ऐसा चरित्र थी जिसके जीवन की कई अनकही कहानियां थी, लेकिन इस गुनाह की कहानी परी की जिंदगी से क्या वास्ता रखती थी? प्रथम और राजीव की इसमें क्या भूमिका थी? वो इन्वेस्टर कौन था जो परी के बिजनेस में पैसे लगाने वाला था? वहीं पायल की बेटी विधि की जिंदगी में भी पुलिस सोनू और एक ऐसे लड़के की तलाश कर रही थी जो कई लड़कियों को विक्टिम बना चुका था। इन गुनाहों का असल मकसद आखिर क्या था? ये जगह हमारे थाने से तकरीबन 5 किलोमीटर की दूरी पर है। आज पायल 11 बजे थाने आने वाली थी। मैं लगातार पानी का बॉटल खरीदने के लिए उतरी होगी और जिसकी वजह से पायल की डेथ हो गई। टेम्पो का नंबर नोट हुआ था? नहीं सर, लेकिन विटनेस ने बताया कि टेम्पो कुछ ऑरेंज व्हाइट कलर का था। मैंने शहर के सारे एग्जिट पॉइंट पर नाकाबंदी करने के लिए बोल दिया। उस टेम्पो का जल्दी पता करो, हो सकता है पायल का एक्सीडेंट नहीं बल्कि मर्डर हुआ और मर्डर को एक्सीडेंट की शक्ल देने की कोशिश की जा रही हो। सर सर ये देखिए, पायल के पर्स में से ये मोबाइल मिला है और ये पेपर सर कुछ कुंडली जैसा लग रहा है। सर पायल की गाड़ी में जो दूसरा फोन मिला है उसमें फेक आईडी का सिम, और सर ये चार्ट पेपर सट्टे के चार्ट पेपर जैसा लग रहा है जैसे एमपी में ग्रो चला रहा है। इस सट्टे को चलाने वाला कुंडली किंग के नाम से फेमस है वहां पे। एक स्पेशल सेल को इस कुंडली किंग को पकड़ने का मिशन भी मिला था। आई नो, ये शेयर बाजार की तर्ज पर खेले जाने वाला सट्टा है। ये लोग शेयर मार्केट की किन्हीं भी 12 कंपनियों को पकड़ते हैं, उन पर सट्टा खिलवाते हैं। उन कंपनीज को एक नंबर दे दिया जाता है, जिन कंपनीज के शेयर ऊपर या नीचे जाते हैं उन पर ये कैश में पैसा लगवाते हैं। मान लो 2, 6 और 9, इन कंपनीज के शेयर ऊपर गए तो जिन लोगों ने इन कंपनीज के ऊपर पैसा लगाया है उनको शेयर मार्केट का डबल प्राइस मिलेगा। और दूसरी तरफ मान लो 4, 5 और 8, इन कंपनीज के शेयर नीचे गिरे तो जिन लोगों ने इन पे पैसा लगाया उनका पैसा डूब जाएगा, उनको कुछ नहीं मिलेगा। ये करोड़ों का गैर कानूनी धंधा है। ये लेट 60 में अत्री और राउफ लाला जैसे डॉन ने बॉम्बे में क्राइम शुरू किया और आज भी देश के अलग अलग शहरों में ये गैर कानूनी धंधा चल रहा है। ये चार्ट पेपर हमें पायल के पास से मिला सर, और पायल के पास जो दूसरा फोन है उसमें फेक आईडी का सिम है, तो क्या पायल भी सट्टा खेलती होगी या फिर सट्टा खिलवाती होगी? देखो पायल का हस्बैंड क्या करता था अभी तक क्लियर नहीं है, सस्पेंस बना हुआ है। और पायल के कॉल रिकॉर्ड्स में पॉलिटिशियन पुलिस ऑफिसर्स के नंबर मिले, जाहिर सी बात है इस तरह का धंधा पावरफुल लोगों की मदद के बिना तो नहीं किया जा सकता। एक काम करो, पायल उसके हस्बैंड से जुड़े सभी लोगों की डिटेल निकालो और पायल का जो दूसरा नंबर है उसका सीडीआर भी निकालो। सर सर डीएनए रिपोर्ट आ गई है उस पहले स्केलेटन का। मतलब वो स्केलेटन विशेष का ही था? जी सर, लेकिन हम परी और रीमा का समझ रहे थे, उन दोनों स्केलेटन के डीएनए भी आपस में मैच कर। अभी तक हम परी पर शक कर रहे थे, पायल भी लगातार परी पे शक कर रही थी, लेकिन परी तो खुद मारी जा चुकी है और पायल की बेटी विधि का कोई क्लू नहीं मिल रहा है। अच्छा विधि के सोशल मीडिया अकाउंट में जिस लड़के का फेक प्रोफाइल से अकाउंट था उसकी क्या अपडेट है? साइबर सर उसका पता लगाने में लगी हुई सर, लेकिन उनको कुछ पता चला नहीं अभी तक। थैंक गॉड कृतिका, फाइनली तुमने शादी के लिए हाँ कर दी। और मुझे ना तुम्हारा पेशेंस लेवल बहुत अच्छा लगा। तुम्हारे लिए तो मैं 7 जन्म तक वेट कर सकता हूँ। अच्छा अच्छा, ये फिल्मी रोमांस नहीं है? फिल्मी? अरे अब जो होगा वो सब रियल होगा। पायल और कुंडली की वो तो सोशल वर्कर थी,
शायद किसी ने अपना गुनाह छुपाने के लिए उसे बदनाम करने की कोशिश की होगी। लगता है पायल को काफ़ी अच्छी तरह से जानते हैं आप। नेताजी कहीं ऐसा तो नहीं है कि पायल की छवि को बचाकर आप अपनी छवि बचाने की कोशिश कर रहे हैं? ज़्यादा दिमाग मत लगाओ। वो महिला समाज की अध्यक्ष थी, इसलिए मैं उसको जानता था। देखिए नेताजी, वो महिला समाज की अध्यक्षा तो मात्र 2 महीने पहले ही बनी, पर पायल उसके हस्बैंड को तो आप काफ़ी अरसे से जानते हैं। तो आप ये भी जानते होंगे कि पायल का हस्बैंड का बिजनेस क्या था? हाँ, वो शायद आयरन स्क्रैप में डील करता था। इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानता उसके बारे में। सर एक्चुअली मैं उस लड़की का केस देख रहा था जिसके इंसाफ के लिए पायल लड़ रही थी। बस उसी सिलसिले में मेरी पायल से बातचीत होती थी और कुछ नहीं। बातें तो तुम्हारे नेता विक्रम से भी होती थी। आप कहना क्या चाहते हैं? अगर तुम्हारे और विक्रम के बीच कोई खिचड़ी पक रही थी तो तड़का हम लगा देंगे। अगर तुम इस जंजाल में नहीं फंसना चाहते, इससे बाहर निकलना चाहते हो, तो मैं सपोर्ट करूंगा तुम्हारा। सोच के बता देना मुझे। सर पायल के कॉल रिकॉर्ड्स में तो ज्यादातर नंबर फेक आईडीज़ के हैं। मतलब इस बात के पूरे चांसेस हैं कि पायल उस कुंडली किंग की दुनिया के कई राज जानती हो। सर हम लोग इस एंगल पे भी काम कर रहे थे कि हो सकता है कि ये पायल परी के बिजनेस की इन्वेस्टर। और सर परी के कॉल रिकॉर्ड में पायल के देवर मुकुंद का नंबर मिला है। उसने परी को 2-3 बार कॉल किया था। है कहाँ? सर अभी तो वो गायब है। मैं पता लगवा रहा हूँ सर वो कहाँ पे। सर साइबर सेल ने उस लड़के से जुड़ी कुछ इन्फॉर्मेशन निकाली है जिसका फेक अकाउंट विधि के सोशल मीडिया अकाउंट में मिला था। इसके लिए सर सर वो अकाउंट 7 अलग अलग साइबर कैफे से ऑपरेट हो रहा था जहाँ से वो अलग अलग लड़कियों के साथ चैटिंग करता था। इनमें से 3 साइबर कैफे की CCTV फुटेज में एक कॉमन लड़का कैप्चर हुआ है। ये उसका फोटो है। पहचान पता चली इसकी? फिलहाल तो नहीं सर, लेकिन लास्ट टाइम ये लड़का दिल्ली के एक साइबर कैफे पे देखा गया था। इसका पता लगाने के लिए मैंने अपने खबियों को काम पे लगा दिया। सर मुकुंद की एक इन्फॉर्मेशन मिली है। सर MP के स्पेशल सेल की रडार पे मुकुंद। सर स्पेशल सेल वालों ने जब कुछ सट्टे पे पैसा लगाने वाले लोगों को उठाया तो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि ये मुकुंद सट्टे पे लगा वो पैसा कलेक्ट किया करता था। और ये मुकुंद गायब का है? सर MP के मेरे एक खबरी ने बताया कि कुछ दिनों पहले इंस्पेक्टर दिनेश ने उसे उठाया था। उठाया था मतलब अरेस्ट किया था? नहीं सर, अरेस्ट नहीं किया था, शायद किडनैप किया था। सर उस खबरी ने यह भी बताया कि भोपाल में एक घर है जो बाहर से सील्ड है और सर उस घर के बाहर डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी का एक पेपर भी लगा हुआ है। ये देखिए सर, ये घर पायल के पति अविनाश के नाम पर। और सर उसने ये भी बताया कि इस घर में पीछे से आने जाने का एक रास्ता है। उसने कई बार लोगों को वहाँ से आते जाते देखा है। मतलब ये सील, कोर्ट का नोटिस, ये सब कुछ फेक है, शायद लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए। वर्मा, तुम्हारे खबरी ने टिप दी थी कि घर में पीछे जाने का भी कोई रास्ता है। जी सर, चेक करो। सर चलो। आजम भाई 7 नंबर पे कितना? 1000। सर, लेकिन सर, मेरी बात तो सुन। सर सर, हम मानते हैं हम अविनाश भैया का धंधा चला है, लेकिन हमने किसी का मर्डर नहीं किया सर। तू परी के भी टच में था? परी के बिजनेस में तू इन्वेस्ट कर रहा था ना? हाँ सर, मैं खुद जानकर हैरान हूँ कि वो एकदम से कैसे गायब हो गई। और मैं परी की माँ और अपने बड़े भाई के बच्चे विधि और विशेष को क्यों मारूंगा सर? पायल का भी नाम जोड़, पूरे परिवार को मार के अपने भाई का बिजनेस हड़पना चाहता था? हाँ हड़पना चाहता था, लेकिन किसी का मर्डर नहीं किया सर। मैं खुद हैरान हूँ कि अविनाश भैया जिंदा है। अविनाश जिंदा है? हाँ सर, उसका और पायल का बच्चों के साथ इंडिया से भागने का प्लान था सर। मैंने तुम्हारा और दोनों बच्चों का फेक पासपोर्ट बनवा लिया है, अब इंडिया से निकलने का वक्त आ गया। कहाँ है अविनाश? सर इसके बारे में हमें कुछ नहीं मालूम सर, मैं सर बिल्कुल सच बोल रहा हूँ सर। हाँ सर, भले ही अविनाश भैया ये धंधा पहले कर रहे थे, लेकिन इस धंधे का असली मास्टरमाइंड वो विक्रम है सर। उसने मुझे, पायल और अविनाश को मोहरों की तरह इस्तेमाल किया है सर इस धंधे में। ये सब उसी का किया धरा है सर। सर मेरी बात पर यकीन कीजिए सर, मैं सच बोल रहा हूँ। सिर्फ मुकुंद के स्टेटमेंट के बेसिस पे विक्रम के साथ सख्ती नहीं दिखाई जा सकती सर। ना तो उस नेता को छूना आसान है और ना ही मुकुंद और नवीन को अपनी कस्टडी में रखना पॉसिबल है, क्योंकि MP की स्पेशल चल रहे हैं, उनकी कस्टडी मांग ली। सर खबरियों से उस लड़के की एक टिप मिली है जो फेक सोशल मीडिया अकाउंट से लड़कियों को फंसाया करता था सर। उस लड़के का नाम कपिल है और वो दिल्ली की एक लॉज में छुपा हुआ है।
मैं मानता हूँ कि मैंने कई लड़कियों को अपने झूठे प्यार के जाल में फंसाया था, लेकिन मैंने किसी का मर्डर नहीं किया सर। तो फिर कहाँ है सब लड़कियाँ? वो सब अपने गहने और पैसे लेके मेरे पास आती थी और मैं उनको लूट के ब्रोथल में बेच देता था। विधि कहाँ है? विधि के बारे में मुझे नहीं पता सर, सच में मुझे नहीं पता विधि के बारे में। मैंने उसको फंसाने की कोशिश जरूर की थी, लेकिन वो फंसी नहीं थी सर। ऐसे नहीं बोला गया है। नारंग, उगवा उसे। सर। कपिल जैसे बड़े क्रिमिनल और कुंडली किंग नाम से विख्यात करोड़ों रुपए के गैर कानूनी धंधों का खुलासा करने के बावजूद भी पुलिस परी रीमा विशेष के कत्ल और विधि के गायब होने की पहेली नहीं सुलझा पाई थी। पायल का पति अविनाश अब भी फरार था। पुलिस कोई पुख्ता सबूत नहीं जुटा पा रही थी और इस केस की कड़ियां जोड़ने के लिए पुलिस अब इन सभी विक्टिम के अतीत और वर्तमान से जुड़ी हर एक बात को बारीकी से स्टडी कर रही थी। सर, तकरीबन एक साल पहले कानपुर में कृतिका नाम की इस लड़की का सुसाइड केस फाइल हुआ था और तब इस केस में लोकल पुलिस ने परी से इंक्वायरी की थी। कैसी इंक्वायरी? दरअसल कृतिका का एक फोटो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ था जिसमें इसका नाम और नंबर लिखा हुआ था, जिसमें ये पोर्ट्रे करने की कोशिश की गई थी कि एक प्रोस्टिट्यूट है और इजीली अवेलेबल है। बस इसी बात से दुखी होकर कृतिका ने सुसाइड कर लिया। लेकिन इसका परी से क्या लेना देना? एक्चुअली सर, जिस IMEA नंबर के फ़ोन से वीडियो अपलोड हुआ था वो फ़ोन परी का था। परी से जब इंक्वायरी की तो उसने बताया कि उसका फ़ोन चोरी हो गया था। इस केस में आगे कुछ मिला नहीं, इसलिए इसको सुसाइड केस मान के बंद कर दिया। अच्छा, अब कृतिका की फैमिली में कौन कौन? सिर्फ उसके फादर हैं। साहब, मेरी बेटी कृतिका बहुत ब्रिलियंट लड़की थी, लेकिन वो इतनी बड़ी बदनामी सह नहीं पाई और इसके लिए जिम्मेदार किसको मानते हैं? परी को तो जानते ही होंगे आप, जिस पर आपकी बेटी को सुसाइड करने के लिए उकसाने का आरोप लगा था। पूरा परिवार खत्म हो गया उसका, वो और उसकी माँ मारे गए, मौसी मारी गई उसकी, और उसकी मौसी के दोनों बच्चों का भी मर्डर हो गया। आप कहना क्या चाहते हैं साहब? यही, शायद आपने अपनी बेटी का बदला लिया हो। बस कुछ भी मत बोलिए साहब, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। यस सर, यू आर राइट, बट कृतिका का बाप परी से या उसकी माँ से दुश्मनी निकाल सकता है, लेकिन उसकी मौसी या मौसी के बच्चों से? इतना बूढ़ा आदमी है, क्या वो इतने बड़े क्राइम को अंजाम दे सकता है? पॉसिबल लग नहीं था। फिर भी उसके एक एक एक्टिविटीज पे नजर रखो। ओके सर। सर, मैं कृतिका के बारे में पता कर रहा था, तो पता चला कि कृतिका की सुसाइड से पहले उसकी मंगनी हो चुकी थी और सर उसकी शादी इस ध्रुव नाम के लड़के से होने वाली थी। तो इस ध्रुव नाम के लड़के में कोई एंगल मिला? सर, बहुत ही चौंकाने वाला एंगल मिला है। सर, 1.5 साल पहले तक ये ध्रुव परी का भी बॉयफ्रेंड था और सर फिर जब हमने परी के सोशल मीडिया अकाउंट चेक किए तो सर उसमें इस ध्रुव का भी अकाउंट मिला है और सर ये ध्रुव भी काफ़ी टाइम से गायब है। कैसे भी करके पता लगाओ ये ध्रुव कहाँ गया। ओके सर। जो भी हो, आपको मुझे फ़ोन नहीं करना चाहिए था, पुलिस को शक हो सकता है। सर मैंने ध्रुव के कॉल रिकॉर्ड चेक किए, हत्या के दौरान जिन जिन लोकेशन पे परी का फ़ोन एक्टिव था सर, थोड़े ही डिस्टेंस में कई लोकेशन पे ध्रुव का फ़ोन भी एक्टिव था और सर ये ध्रुव कृतिका के फादर के लगातार टच में। मतलब कृतिका का फादर जानता होगा कि ध्रुव कहाँ है, पता करो क्विक। सर, कृतिका के बाप ने सब कुछ बता दिया है हमें। अब तू बोले गया बुलवाई तेरे साथ। मैंने ही मारा था उनको। परी को मेरी और कृतिका के नजदीक अखड़ती थी। मैं कृतिका से शादी करना चाहता था, लेकिन उसने कृतिका के साथ मैं परी से बदला लेना चाहता था, इसलिए मैंने उसे यह जताया कि कृतिका को खोने के बाद मैं पूरी तरह से उसका हो गया हूं। फाइनली तुम मेरी लाइफ में आई गए। सिर्फ परी की माँ जानती थी कि वो मुझसे मिलने आई थी, वो मुझ पर शक जता सकती थी, मैं फंस सकता था, इसलिए मैंने कॉल करके उन्हें ही फंसा था। परी, कहाँ है तू? जी, मैं PSI सदानंद बोल रहा हूँ। ये नंबर जिस लड़की का है उसका डोमिनी हिल्स में एक्सीडेंट हो गया है। वो ठीक तो है ना? जी, हालत थोड़ी क्रिटिकल है, आप जल्दी से डोमिनी हिल्स पे आके मुझे फोन कीजिए। हम अभी आ रहे अभी। लेकिन परी की माँ विधि और विशेष को अपने साथ ले आई और फिर परी के नंबर पर फोन किया।
मैंने उन्हें फंसाया, मैंने उन्हें डोमिनी हिल्स के एक सुनसान इलाके पर बुला लिया। आपको भटकाने के लिए मैंने परी का फ़ोन एक्टिव रखा और उसकी मौसी को लगातार मैसेजेस भेजता रहा। उसके फ़ोन में जो मौजूद फ़ोटोज़ थी उन्हें सोशल मीडिया पर अपलोड करता रहा ताकि आपका शक सीधा परी पे जाए। और जब परी की मौसी पायल को ये सब कुछ पता चल गया तो उसको भी मार दिया तूने? नहीं सर, मैंने उसकी मौसी को नहीं मारा। विधि को मार के कहाँ गाड़ा तूने? किधर? वर्मा, खुदवाओ। एक्सीडेंट की वजह से हुई थी या ये हत्या है ये अभी साफ नहीं हो पाया है। पायल भले ही अपने पति के क्राइम का हिस्सा बनी लेकिन अपने बच्चों के लिए उसके जज्बातों ने कहीं ना कहीं उसमें ये भावना जरूर पैदा कर दी थी कि झूठ और अपराध की राह हमेशा बर्बादी की तरफ ही लेकर जाती है। परी ने भी एक झूठ की मदद से कृतिका को, लेकिन ध्रुव और कृतिका के पिता का कृत्य और भी घृणा से भरा हुआ है। इसी के साथ मैं सोनाली कुलकर्णी आपसे विदा लेती हूँ। फिर होगी आपसे मुलाकात क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक ऐसे ही चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। आप जानते हैं हम सब एक मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। कृपया मास्क पहने, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और उचित दूरी बनाए रखें। देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।